बात बतावे, तू ज्यादा हिम्मत वाला है या तू बेवकूफ है जो करोड़ों रुपए का काम के लिए करने आ गया? कोई बिना हथियारों के? माल चेक कर। माल तो खड़ा है बे, ये ले पैसा। ए सुन, तू जानता है दुनिया का कोई भी आदमी बेईमान नहीं होता, लेकिन जब ये लालच आदमी के दिल में आ जाए ना, तो दुनिया का हर आदमी बेईमान बन जाता है। अब जो ये लालच है ना, मेरे दिल में आ गया, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और ये माल भी। अगर बैग छोड़ जाएगा तो जिंदा चला जाएगा, और अगर नहीं छोड़ा यहीं काट कर यहीं दफना दूंगा। अब तो सुन, तूने बोला था ना कि तू हिम्मत वाला है फिर बेवकूफ, तो तुझे अब पता चलेगा मैं कौन हूं। और तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे जिंदा छोड़कर।
देख रहा है यार, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। हर कोई गलत काम कर रहा है। हाँ यार, यही तो, हर कोई इल्लीगल काम करके बस मुफ्त का पैसा चाहता है। एंड में इन लोगों के साथ यही तो होता है। पैसे की तो दिक्कत चलती है यार। वाओ यार, इतनी एक्सपेंसिव वॉच। वैसे तेरे पास कहाँ से आते हैं इतनी महंगी महंगी वॉच खरीदने के पैसे? लूडो खेल के। क्या बात कर रहा है? हाँ, जुप्पी इंस्टॉल कर। जुप्पी? मैं क्या करूँगा इसका? अरे जुप्पी पर अपने इंडिया का सदियों पुराना गेम है लूडो। इस पर हम अपने दिमाग का यूज करके लाखों जीत सकते हैं। ये तो बढ़िया है यार। यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, फिर तो तुझे बहुत टाइम लग गया होगा गेम से पैसे जीतने में। बिल्कुल नहीं यार, जुप्पी पे 5 से 10 मिनट में लूडो का गेम हो जाता है। ये देख, मैं तुझे खेल के दिखाता हूँ। यस, देखा, जीत गया ना मैं 40,000 अपनी स्किल्स से। यार मैं तो सालों से लूडो खेलता आया हूँ, पर ऐसा कैश प्राइज पहले कहाँ था? वैसे ये जुप्पी डाउनलोड कहाँ से होगा? बहुत इजी है यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले, या फिर zuppi.com पे जाके जुप्पी ऐप डाउनलोड कर और अपनी स्किल्स यूज करके लाखों जीत। अभी डाउनलोड करता हूँ यार, लेकिन एक बात बता, गेम में जीता हुआ पैसा निकलेगा कैसे? बहुत आसान है यार, तू अपना जीता हुआ पैसा UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉल कर सकता है अपने बैंक अकाउंट में, और यहाँ इजी डिपॉजिट और विड्रॉल भी मिलता है। और हाँ, ये 100% सेफ एंड सिक्योर भी है। अच्छा भाई। और हाँ, तू इस पे 1 रुपए से खेलना स्टार्ट कर सकता है। 10 करोड़ से ज्यादा रियल प्लेयर्स हैं इस पे ऑलरेडी। ये तो बढ़िया यार। और फायदे की बात ये है, इस पे TDS एंड GST का कैशबैक भी मिलेगा, है ना? बहुत बढ़िया। इसे तो अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर। आपकी आँख खुल गई बहन के भोसड़े। 2 बज रहे हैं दोपहरिया के, अब तेरी आंखों में से चिप अड़ रहे हैं। तेरे बाप का नौकर हूँ, सारा काम मैं ही करूँगा। अरे यार, नींद बहुत गहरी आ गई, मुझे होश ना रहा, सो के मैं कब पढ़ाऊँ? अच्छा, तो तुझे होश ना रहा, तू बेटे आज रात को भी ऐसी सोई है मदहोशी में। तेरी ऐसी गांड मारूंगा ना तो जिंदगी भर आगे खोल के सोगा। चल कल से उठ जाऊंगा यार, जल्दी चाय बनाई क्या? चीनी खत्म पड़ी है तो कहाँ से बनेगी चाय? तो चल मैं अंडे का ऑमलेट बना लेता हूँ। तेरे बाप अंडे दे गए होंगे जो ऑमलेट बना लेगा, अंडे कहाँ से आए अपने पास? तो आ, एक काम करते हैं, आलू के पराठे बना लेते हैं। गैस खत्म पड़ा। अबे यहाँ पे कुछ खाने के लिए है भी है ना? फ्रूट्स में है कुछ, 1 केला और 2 आड़ू। ला चल वही खिलवा दे फिर। आजा खा ले रखा। ये उल्टी हरकत मुझसे मत करेगा वे तू। अब चिल्ला लग रही है, उल्टी हरकतें दिख रही है। भाड़ू चल जाएगा, जल्दी कपड़े पहन ले, मैं भी आ रही हूँ, मेरे भी कपड़े निकाल, बुकिंग आई है वहाँ चलना। क्या गाड़ी चला रही है कछुए की तरह? रेंग रेंग के। इसे थोड़ी तेज भी चला ले। क्यों भैया, तेरी अम्मी भाग गई क्या? या तेरी बहन भाग गई? नहीं यार, कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है मुझसे? तो तेज की चलवा रही है साले कीटाणु, या इसे तू फरारी समझ रही है जो 200 की स्पीड में पार कर दू? साले अगर इसकी 200 से मैंने 80 की स्पीड कर दी ना, फट बोल जाएगी ये गाड़ी, कंधे पे रख के ले जानी पड़ेगी कंधे पे। मैं तो यूँ कह रही हूँ यार, वहाँ पे जल्दी में पहुँचना हमें, और धूप देख कितनी तेज पड़ रही है, मैं काला पड़ जाऊंगा। तुझे क्या पता मैं अपने बाप का चांद हूँ। ओ हो, बाप का चांद? साले सही से देख अपने आप को आईने में, बाप का चांद ना, बाप का आंडा तू। अच्छा चल ये सब छोड़ यार, सुबह का नाश्ता पानी तो करवाई दे, कुछ भी ना खाया यार। नाश्ता पानी? तेरी जैसी सकाल है, तुझे कोई पानी ना पिलावे बेटे, नाश्ता तो बहुत दूर की बात रहे। मैंने तुझे अपने पास रख लगा, यही बहुत बड़ी बात है। तेरी यही बातें बहुत बुरी लगती है मुझे, कम से कम चाय तो पिलवाई दे आओ, और तो अपने दोस्त को चाय पिलवाओगा ना तो तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तेरा नाम होगा। अगर स्टैंडर्ड की बात है, नाम बढ़ाने की बात है तो पिलवा दूंगा चल चाय,
स्टैंडर्ड के मामले में मैंने बहुत पैसा खर्च करा आज तक, हिसाब ना लगाता हूँ, लेकिन बस चाय चाय पिलवाऊंगा और भजी तो मत करिए। छोटो अपने ढाबे की सबसे स्पेशल वाली तो चाय लगा, मलाई मार के मजा आ जाना चाहिए। दस दस वाली शानदार और मलाई वाली चाय, वो भी दस दस रुपल्ली की है। भाई तुम्हें तमीज ना बोलने की, किसी को कुछ कह दो छोटू मोटू, या घर वालों ने इज्जत करनी नहीं सिखाई है किसी की? नहीं यार, घर वालों ने तो इज्जत करनी सिखाई है, लेकिन तुझ जैसे झाटू की भी करनी है ये नहीं बताया था। चाय पी लो चाय। क्यों भाई, चाय के नाम पे गधे का मुंह पिला रिया, दूध तो है ही नहीं इसके अंदर। 10 रुपल्ली की चाय में इतना ही दूध मिलेगा? और हाँ, ज्यादा शौक उठ रहा ना तुझे दूध पीने का, तो भैंस के तनों मुंह लगा दे आके उसका दूध पी लिए। भैंस का मुझे हजम ना होता, अपनी बहू का पिलवावा तो बता। ऐसा रैप्टा मारूंगा पसीना और मूत मिक्स हो जाएगा, उसमें बोल ले। अच्छा भाई, तू मेरे रैप्टा मारेगा, चल मार के देखा। उतनी केने बड़ी भर के मारा, लेकिन विनोद से पंगा गलत ले लिया, गया ही। साले मेंढक, तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या कह रही हूँ? तेरे सामने इनने मुझे मारा और तू बैठा हुआ देख रही है, इसे मार वरना अभी तेरा साथ छोड़ दूंगा यहाँ के यहीं। वो भैया अभी साथ छोड़ दे चाहे तू मेरा, तू ये देख ना रही है कितना बुरा मारा है इसने, मेरा तो सुअर बना देगा। मैं पली ना ले रही है, और चाहे तुझे बुरी लग रही भाई साहब, मुझे तो बहुत बढ़िया चाय लग रही है, बाकी इससे पूछ लो। भाई साहब ऐसी बात ना, चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने तो यूं थूक दी कि इसे पसंद ना आवे कभी, इस चक्कर में थूकनी पड़ गई, मुझे तो बहुत अच्छी चाय लग रही है, देखो मैं पीऊं अभी। एक नंबर चाय है भाई साहब, टन टन 10-12 और पीता लेकिन जल्दी में जा रही हूँ। चल भैया भैया, पैसे तो दिए ही ना। पैसे? तुझे लगता है यार पैसे भी मांगेगा? बेटे इस तरह पिटाऊ ना मैं, जान पूछ के पिटाऊ, वरना तो इसके ही पूछ बढ़ देता, पर गरीब है यार, इस पे हाथ छोड़ने का मेरा दिल ना हुआ, अब अगर ये पैसे भी मांगे तो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी, ढाबे के साथ इसमें भी आग लगा दूंगा यही, अगर इनने पैसों का नाम ले लिया तो। आ गाड़ी में चाय के पैसे तो दे जा। अरे हाँ, आपके चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। ये लो भाई साहब 20 रुपए। 40 रुपए? 40 भाई साहब 20, 10-10 वाली दो चाय तो लगवाई है मैंने, ध्यान से सोचो। 20 का पाले जी खाया उसने। ये लो। ठीक है।
हाँ जी सुभान भाई आप ही हैं, टैक्सी बुक करी थी? हाँ हाँ। कौन है भाई साहब? बीबी है मेरी। सच बताओ यार, झूठ बोल रहा। अबे भैया बीबी है मेरी। अरे नहीं यार, तुम्हारी शकल लंगूर की गाल की तरह काली और ये रशियन माल बीबी कैसे हो जाएगी? सच बताओ, रंडी है ना? अंग मिलेंगे यार। अबे जब तुझसे कह दिया कि बीबी है मेरी तो क्यों ना मानता? नई नई शादी हुई है, हनीमून मनाना आया उसके साथ, और तू टैक्सी ड्राइवर है, अपनी औकात में रह। ये लैगेज उठा, चल कौन से होटल चलना। विनोद एक काम कर, तू गाड़ी चला। भाई सब तुम आगे बैठो, भाभी और मैं पीछे बैठते हैं। जाओ जी, यही है होटल अपना। यहीं पे रुको, मैं अंदर जाकर रूम की बात करके आता हूँ कितने रुपए का, क्योंकि तुम यहाँ पर नए हो। मैं यहीं गई हूँ, तुम्हारा फालतू पैसा खर्च नहीं होने दूंगा कहीं भी। मैं घुमाऊंगा सब जगह तुम्हें, पूरे ट्रिप पे मैं साथ रहूंगा। सही है, रुके रहो। विनोद तू क्यों चक्कर में पड़ लिया? तू क्या इनके बाप का नौकर है? इन्होंने हमारी टैक्सी बुक करी थी होटल तक छोड़ने के लिए, हमने छोड़ दिया। बात खत्म, किसी का भला मत सोचे। तुझे मेरी सूरत देख के लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी का भला सोचूंगा? अबे थोड़ा सबर कर ले, देखता जा कैसे इनके पैसों की बेंच उठवाऊंगा। 2-3 हजार का रूम होगा अंदर, 10 हजार का आके बताऊंगा इन्हें। 7 हजार रुपए की लग रही है हाथों हाथ। अगर 3-4 दिन इस होटल में रुक गए ना, ये 20 हजार रुपए तो यही से कमा लेंगे। तू अपना दिमाग मत लगा, तेरे अंदर इतना दिमाग ना जितना लगा रही है। तेरा दिमाग? तारीफ मत करो। अजी भाई साहब, एक रूम चाहिए बहुत शानदार वाला, रेट बताओ कितने का। तेरी अंदर घुसने की औकात नहीं, और तू आलीशान होटल में रूम मांगने की बात कर रहा। हट टीचर, बाहर निकल। ओ तू तो ऐसा कर रहा है, तेरे बाप का होटल हो, हाथी के भोसड़े, तू भी तो यहाँ नौकरी है। ओ गाली मत दे, तमीज में बात कर। तो बेटे तू भी तमीज में बात कर, ऐरा गहरा समझ रहा मुझे। 55 टैक्सी चल रही है, 70-80 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो जैसे को रोड टप पर खिला सकता हूँ। मैं अपने लिए रूम लेने नहीं आया हूँ, टूरिस्ट लाया हूँ अपने साथ, वो रूम लेंगे। रेट बता कितने का? 3 हजार रुपए का। देख मेरे लिए तो 10 हजार का रूम भी महंगा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट जो आए हैं यार वो थोड़ा मिडिल फैमिलीज हैं, तो जरा कर ले 2 हजार रुपए में डन कर देते हैं। वो बेचारे नए नए शादी करके घूमना है, हनीमून परीमून क्या होगा, चौदम पट्टी। चल ठीक है दिया, 2 हजार में जा। शुक्रिया बहुत बहुत, डन कर दिया जी। 15 हजार रुपए का रूम है, 1 रुपया कम नहीं कर रहा था। खूब झिक झिक बाजी करी, चेचे मैमे करके होटल के मालिक को रिश्तेदार बताया अपना मैंने, तब जाके 12 हजार रुपए में डन करा। 12 हजार कैसे डन कर दिया? पैसे तू देगा या मैं दूंगा? ना भैया ना, मैं खुद जाऊंगा और रूम बुक करवाऊंगा। अरे सुनो भैया, एक काम कर लो, 10 हजार रुपए में डन कर दो। ना मैं खुद बात करके आऊंगा। चलो 8 हजार में डन कर लो यार, अब तो पूरा ही फायदा हो गया। 12 हजार का था, 8 में हो रहा 4 हजार रुपए तो यही बच गए।
क्या बात करने जा रहे हो? अबे चुप बे, मैं खुद बात करके आऊंगा, और तुझसे क्या मतलब? हाँ जी भाई साहब, टैक्सी ड्राइवर को रूम कितने रुपए का बताया आपने? अभी बताया तो है 2000 का, इससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं। रूम तो 2000 का मिल गया भाई। देखो भाई साहब, मेरी कोई गलती ना, इसकी गलती है। इससे मैंने मना करी थी, ये काम मुझसे मत करा, दलाली का मेरे बस की बात ना। लेकिन जाट मानता नहीं है, उल्टे सीधे काम करा के मेरी बेइज्जती करा दी ना करा दी। ये तो चल, अपने कोई गैर होता तो मेरा रैपटा भी मार देता। चल भाई साहब का लैगेज वैगेज उठा, 2000 रुपये में कितना बढ़िया होटल हो गया। चल आ जाओ, आओ मैडम आ जाओ। चोर साला। यार मुझे अब भी यकीन नहीं हो रही है, इतने वीआईपी होटल में हमें। विनोद स्विमिंग पूल, इसे तो देखते मेरा नहाने का मन करने लगा। मन तो यार मेरा भी करने लगा, लेकिन यार इसमें नहा नहीं सकते, हमने कोई रूम थोड़ी ले लिया यहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर ही तो है, क्या पता कोई चेज चार्ज जा। अरे नहीं यार, तू इस बात की टेंशन मत ले, जब तक मैं हूँ तेरे साथ कोई तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। आ नहाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूल में कूदने की, सालो गंदे। अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रख ले, जान पूछ के इस पूल में न कूदो। पूल में नहाने का कोई शौक ना मुझे, मेरे 12 हाउस में तो खुद 3 पूल बने पड़े, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, बुड्ढों के नहाने का अलग। तेरे पास 12 हाउस भी है? हाँ, 3-3 स्विमिंग पूल के साथ नल भी है, अगर किसी का मन करे नल के नीचे नहाने का तो उस पर नहा ले। अबे ये तो मेरी मजबूरी है, इस पर कूदना पड़ गया मुझे। ये यहाँ पे खड़ा है, इसका पैर फिसल गया तो ये डूबने लगा, इसे बचाने के लिए कूदा हूँ मैं। अच्छा, जब इसका पैर फिसला तो ये नंगा था, और तू इसे बचाने कूदा तू भी नंगा था। जितना चूतिया तू शक्ल से दिखता है ना, उससे बड़ा चूतिया तू असली में है। यहाँ सब जगह CCTV कैमरे लग रहे हैं। साले झट, बेइज्जती करवाता मेरी हर जगह। पूल में ना आगा, पूल में ना आगा, मना कर रहा इससे मैं। पूल में मत घुस ऐसे किसी के, ना यही ना आगा पूल में, ले मेरे मुंह तो में नहा ले। चलो भाई साहब, इसकी गलती हो गई, अब डांट दूंगा मैं। और चला बाहर को। हाँ बाहर देगा। यार गरीब आदमी भी ना एक बाजी की तरह है, साला कोई भी आके बजा के चला जाता। हाँ यार सही कह रही, और ऊपर से ये टूरिस्ट हमें इतना खसीस मिल गया, साले ने होटल में भी दलाली ने मानने दी। लेकिन एक काम करते हैं ना, इससे एक्टिविटी करने को पूछते हैं। जब घूमना आया, बीवी के साथ आया, तो एक्टिविटी तो जरूर करेगा कोई ना कोई से। पूछता हूँ, उसमें मान लेंगे इसकी। हाँ जब पूछ का। हाजी भैया, कोई एक्टिविटी करवा दूं? ना भैया, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। अरे यार क्या पैसों का हिसाब लगा रहे हो, नदी में घुमा दूं, आओ बोटिंग करा दूं तुम्हें। ना भैया, हमें नदी में भी टहलना, उसमें भी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। या पैराग्लाइडिंग कर लो, 32 मंजिल से पैराग्लाइडिंग कराते हैं, आसमान में लहरोगे तुम भी, भाभी भी, मजा आ जाएगा। ना ना,
उसमें भी बहुत खर्चा है, पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अरे तो फिर जंगल सफारी कर लो यार, घूमना आयो तो कुछ तो करो, जंगल सफारी कर लो। अबे भैया तुझसे कह दिया कि पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, ना करना हमें कुछ भी। जब पैसे खर्च ना करने थे तो घूमने के मेरे लंड के लिए आए। ओफो यार विवेक, एक नंबर का खसीस है ये तो। सही कह रही है तू, हर बात में यूं कह रही है पैसा खर्च होगा। अबे घूमने ही क्यों आया है, पैसा खर्च नहीं करना तो। मैं तो उससे पहले ही कह रही हूँ। यार ये कभी अकेला भी निकलता है या हर टाइम इतनी फौज को लेके चलता? पता ना यार। खैर हमें क्या करना है। हाँ भाई, बड़ा रूखा रूखा सा लग रहा यार। रूखा रूखा लग रहा? पूल है तो ना लो, पूरा गीला गीला हो जाएगा। मेरा वो मतलब नहीं था, कुछ इंतजाम कराओ हमारे लिए। अच्छा इंतजाम करना है, बताओ किस चीज का इंतजाम करना है। लड़की वड़की का जुगाड़ हो जाएगा या ना। अरे भैया कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही आप मुझसे, अपनी बहू के साथ आया, थोड़ी शर्म कर ले। मेरा वो मतलब नहीं था, डांस वांस का प्रोग्राम हो जाता, शराब बराब पी लेते हम भी थोड़ी। अबे तू बावला कैसे, यह काम ना होता। अरे यार पैसे ले लियो 10,000 रुपए। अबे पैसे की दोस्त किसे दिखा रही है, जब तुझसे कह दिया ये काम यहाँ पे ना होता तो ना होता। चलो तो 20,000 ले लियो। अबे तू बावला हो गया कैसे, तुझसे मना कर दी ना, ना होगा ये काम यहाँ पे। क्या हुआ विवेक, क्यों चीख रिया है? यूँ कह रहे हैं लड़कियों का इंतजाम करवा दे, नाच गाना करवा दे, 20,000 रुपए दूंगा। मैंने मना कर दी, मैं कहा आज के बाद ये वाली बातें मत कर लेना मुझसे। 20,000 रुपए तो बाड़ू तूने क्यों मना करी, तेरी ज्यादा जवान चल रही है, यहीं सुअर बना दूंगा तेरा। ये मेहमान है हमारे, जो ये कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। तुम पैसे दो भाई साहब, आज 11 बजे मजा दिलवा देंगे तुम्हें। पैसे ले लिए, लोंडिये कहाँ हमारे पास, कहाँ से करेंगे इंतजाम। समझ ले इंतजाम हो गया। कब से हूँ बैठी सैया तेरे इंतजार में, आजा ले ले मसाला करूँ इनकार में। कब से हूँ बैठी सैया तेरे इंतजार में, आजा ले ले मसाला करूँ इनकार में। हो जा बेफिकर लूट मुझे इसका डर, देख मेरी जो जवानी का न छोड़ कोई कसर। मुझे अंग लगा ले लगा ले लगा ले, मुझे अंग लगा ले पालुमा, मुझे अंग लगा ले साजना, मुझे अंग लगा ले पालुमा, मुझे अंग लगा ले साजना, मुझे अंग लगा ले पालुमा, मुझे अंग लगा ले साजना, मुझे अंग लगा ले पालुमा, मुझे अंग लगा ले साजना। ओए टैक्सी ड्राइवर। हाँ भाई साहब। अरे भाई हमारी बीबी का मूड हो रहा है जंगल सफारी करने का, करा के लाओ यार। अरे यार मैं तो तुमसे खुद भी कह रही हूँ, चलो आओ बहुत शानदार वाली जंगल सफारी करा के लाऊंगा, आओ। देख रही हूँ जब मैंने कही थी तो कह रही है पैसा खर्च होगा, अब बहू ने कह दी तो तुरंत तैयार है चलने के लिए। ये होता है देख बीबी का जलवा।
ओ भैया ओ, थोड़ा हल्का हाथ, तुम्हारे मजे के चक्कर में इधर भी नेटवर्क फुला गए। गाड़ी रोक भी भैया, गाड़ी रोक। सामने देखो कैसे बंदर लटका हुआ पेड़ पे। अबे ओ, पैसा खर्च करा जंगल सफारी के लिए, ये क्या बंदर संदर दिखा रिया? बंदर तो मैं अपने घर भी देखता रहूं। हाँ ये भी है, शीशे में खुद को तो देख ही लेते होगे। सही तो कह रहे हैं ये, क्या दिखा रहे हो ये तुम? दिखाना तो खतरनाक चीज दिखाओ। खतरनाक चीज भी दिखा दूंगा, मिलो तो सही अकेले में। अबे ओ, रैप पे सूद दूंगा, गंदी निगाह मत डाले, कोई ढंग का जानवर दिखा दे। अरे विनोद, एक काम करना, इन्हें भालू दिखा दे। अबे तुझे तो रोज देख ही रहे हैं, कोई नया जानवर दिखाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ा। आओ मगरमच्छ दिखाऊं तुम्हें नदी के अंदर। यहाँ पे शेर नहीं है क्या? अबे जंगल शेरों का ही तो घर है, भरे पड़े हैं शेर, तमाम ही शेर ही शेर हैं यहाँ। ऐसे तो आपकी गाड़ी का है, कई बार आ गया होगा। हाँ कई बार आ गया, अपना तो आमना सामना होता रहता है ना शेर से। अच्छा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? डर? चलो अब शेर की बात आ गई तो तुम्हें वही वाली बात बता देता हूँ मैं। एक बार की बात है, फोरनर आए हुए थे मेरी गाड़ी में घूमने दिल्ली से। जैसी मैंने गाड़ी जंगल में डाली सफारी कराने, उन्हें शेर मेरी गाड़ी के आगे आ गया। अब मैं खूब हॉर्न बजा रही हूँ, पीप 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 पीप, हट ही नहीं रहा आगे से। मेरा मूड खराब, मैं उतरा, उतर के जो शेर के पीछे को जाए गाल में उलिख कर ही है नीची गाल, और भाग गया तुरंत वहां से। उसके बाद जब भी मिलता मुझे सबसे पहले अपनी गाल मींच के भागता। तुम तो बहुत खतरनाक हो यार। ऐसे ही हूँ मैं, मुझे डर पड़ने लगता, बहुत दूर भागा है मुझसे डर। वो शेर भेड़ तो यार ये जानवर है मामूली, तुम इतने पानी में देखो, मैं जरा मुंह धोऊं। तुम तो सारा जानवर की आवाज निकाल सकते हो। हाँ देखो शेर की निकाल के दिखाता हूँ। अबे बड़ी लंबी लंबी फेंक रही तू तो, कि शेर से मैं न डरता हूँ, शेर मुझसे डरे। शेर की आवाज मैंने निकाली थी, डर के इतनी तेज भागा कि हमें भी छोड़ आया वहाँ पे। अरे तो मैं डरा थोड़ी हूँ, मैं तो जंगल में देखने गया एकदम से कि शेर है कहाँ, ढूंढता फिर रिया उसे। अगर मिल जाता शेर साले पे कोनी कोनी फेर तो। अंधा है क्या? देख के गाड़ी नहीं चलती, हटे से। बहुत देख के गाड़ी चलाई है तभी तो तेरे आगे लगाई है। ये गाड़ी नहीं हटेगी। बस साले दो कोड़ी के टैक्सी ड्राइवर, जान से प्यार नहीं है तुझे अपनी? तू जानता है मैं कौन हूँ? चुपचाप ये गाड़ी हटा। सब जानता हूँ तू कौन है, क्या कर सकता है, कितनी तेरी पावर है। ओ, मतलब सब कुछ जानता है तू मेरे बारे में, लेकिन एक चीज नहीं जानता, अगर मेरे दिमाग की सट की तो तुम दोनों की यही खोपड़ी खोल सकता हूँ मैं। अबे चुप, बहन के लोड़े, कब से कुत्ते की तरह भौंके जा रहा, बक 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 बक, ये हूँ वो हूँ, क्या तू जानता है हम लोग कौन है? हाँ जानता हूँ, इस फटीचर टैक्सी का ड्राइवर है तू। टैक्सी ड्राइवर नहीं, मैं हूँ रो एजेंट रवि कुशवा। और मैं रो एजेंट अमित यादव। तू जानता है अब तक हम टैक्सी ड्राइवर बन के क्यों घूम रहे थे? ताकि हमें वो मौका मिल सके जिस समय तू हमें अकेला मिलेगा। आज वो मौका मेरे पास है, तू गया।
तुझे जेल की सलाखें याद कर रही है, चल। तूने बहुत ड्रग्स की स्मगलिंग कर ली, अब तू ये जो करना है जेल में करना, चुपचाप हमारे साथ चल। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, पर अफसोस पकड़ नहीं पाओगे। कहां तक भागेगा बेचारा। सर, मिशन कंप्लीट, आई एम कमिंग। वेल डन बॉयज, वी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत सही किया तुमने इसका एनकाउंटर करके, इसने नाक में दम कर रखा था। अगर तुम सही वक्त पर इसे ना रोकते तो इसका ड्रग्स पूरे शहर को दीमक की तरह खोखला कर देता। जब तक हम जैसे ऑफिसर हैं सर, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र रहें। वैसे मिस्टर रवि, मुझे तुम्हारा काम करने का स्टाइल बहुत पसंद आया और तुम्हारी प्लानिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, इसीलिए मैंने मिशन करने का अपना तरीका बिल्कुल अलग कर रखा है। आम लोग तो बहुत दूर, डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं रो एजेंट हूँ। और बाकी हमें मिशन से मतलब होता है, कैसे करें क्या करें ये बात कोई मैटर नहीं करती। और सर आप भी ये बात जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अगर मिशन करते हुए किसी को ये पता चला कि मैं रो एजेंट हूँ तो रो भी हमें पहचानने से इनकार कर देगा। हाँ ये तो है, अगर तुम किसी मिशन में पकड़े जाते हो या तुम्हें कुछ होता है तो रो भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन रवि, तुमने एक बड़े पेड़ की छोटी सी डाल को काटा है, पेड़ को नहीं, इस ड्रग्स और गोल्ड के इलीगल धंधे का गॉडफादर कोई और ही है। अगर केस रवि और अमित के हाथ में आ गया तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, इसलिए मिशन में तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने बड़े खतरे से टकराने वाले हो। जानते हो इस ड्रग्स और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कौन है? विक्रांत रेड्डी। अब केस हमारे हाथ में है, अब चाहे विक्रांत रेड्डी हो या कोई भी, या तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा या जान से जाएगा। आज से पहले जिन ऑफिसर्स को मैंने विक्रांत रेड्डी का केस दिया है सब ने यही कहा है, लेकिन लौट कर कोई नहीं आया। तो पहले जान लो विक्रांत रेड्डी कौन है और क्या कर सकता है, ये तुम्हें मैं बताता हूँ, तो सुनो।
मैं यहाँ पे ना कोई ड्रग सप्लायर रहने दूंगा, ना कोई विक्रांत रेड्डी और ना ही कोई उसका डर।
ये वीडियो, पूरा वीडियो देखने के बाद यहाँ तक पहुँचे होगे, जब ये चीज़ देख रहे हो तो मुझे जाहिर सी बात है पता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। देखो बहुत मेहनत लगी है, मेहनत सबकी होती है और हमारी डबल ट्रिपल होती है, हमारी ज़्यादा होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। और बिना सब्सक्राइब किए चैनल को जाना नहीं है, लाल बटन होगा उसको दबाओ यार, 10 मिलियन का टारगेट पहुँचाओ, पूरा करो, जल्दी करो यार। क्या यार, लाइकें भी बहुत सारी करो ना, भर के लाइक से यार मोटिवेट होते हैं यार, और जल्दी वीडियो आएगी, लाइक मोटिवेट करता है हम लोगों को जल्दी। और इस अपॉर्चुनिटी को क्या, अब एक चीज और बोल दूं यार, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, जुप्पी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर zuppi.com सर्च करो, वहां से जाके डाउनलोड करो और प्रोमो कोड यूज करो, आपको मिलेगा 15 रुपए का बोनस वेलकम। और हाँ सबसे अच्छी बात, अपनी स्किल यूज करो और लाखों जीतो जुप्पी पर। तो जल्दी जाओ जुप्पी भी डाउनलोड कर लो और दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को जाकर जाओ, जल्दी जाओ, लव यू।